यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी कंट्रोल, हमने तीनों चारों गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको। और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत तो आई, मगर हमने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया। दोराई स्टेशन के पास ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 15 दमकलों की मदद से पाया आग पर काबू। खाने का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग से 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा। रामगंज थाना क्षेत्र स्थित बकरा मंडी के सामने दोराई स्टेशन के पास ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गुरुवार सुबह लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लगभग 45 टन ऑयल और अन्य कच्चा माल जलकर राख हो गया। आग से लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी फैक्ट्री मालिक ने दी है। वहीं लगभग 15 दमकलों के जरिए 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। नगर निगम के अग्निशामक दल के सहायक सुरक्षा अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि सुबह 5:30 बजे लगभग बकरा मंडी के सामने स्थित ऑयल फैक्ट्री में आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके से रवाना किया गया। इसके बाद लगभग 15 गाड़ियों के द्वारा 22 फेरे लगाकर आग को काबू किया जा सका। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। रामगंज थाने के एएसआई रेवतराम ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, मौके पर पहुंचे तो सालासर ऑयल मिल में आग लगी हुई थी। भीषण आग को देखते हुए निगम की दमकल के अलावा अन्य दमकलें भी बुलाई गई। 3 घंटे तक आग भभकती रही। दमकलों ने कुल 22 चक्कर लगाए, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वहीं सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की। अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तेज हवाओं के चलते कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। एसआई रेवताम ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगने की जानकारी सामने आई है। फैक्ट्री के गार्ड दुर्गा सिंह ने इसकी जानकारी मिल मालिक लक्ष्मण तिलोकानी और पुलिस को दी थी। घटना के वक्त वह बाहर ही पहरेदारी कर रहा था। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग से फैक्ट्री में लगा टीन शेड पिघल कर गिर गया और गोदाम भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह हमें सूचना मिली थी फायर कंट्रोल रूम में कि कोई ऑयल का जो फीडेबल ऑयल है उसके गोदाम में आग लगी हुई, तो हमने तुरंत गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हमने वहाँ से रवाना कर दी। एक क्षेत्रिया से गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी कंट्रोल, हमने तीनों चारों गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको। और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत तो आई, मगर हमने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया। लगभग हमारी 7 गाड़ियां, तो हमारी 7-8 गाड़ियां हमारी लगी हुई थी और उनके 2-4-5 फेरे भी हो गए, तो करीबन 10-15 गाड़ियां हमारी यहाँ लगी। किसका गोदाम है और किस चीज़ का गोदाम? देखो, ये जानकारी तो मुझे नहीं है किसका गोदाम है, मालिक खुद यहीं पे है और उनसे हम जो भी इस बिल्डिंग का इंस्ट्रक्शन है वो हमने लिया है, उसी हिसाब से हमने आग को बुझा। इतना बड़ा ऑयल का गोदाम है, कोई फायर इक्विपमेंट आपका कहीं भी नहीं है? पीछे रेलवे नहीं, हमें नहीं दिखा यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट, हमें नहीं दिखा। तो किसी तरीके की कोई, मतलब इस तरीके की कोई एक्शन लिया जाता है क्या कभी? वो आगे की अभी आग बुझाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो करेंगे। कारण आया सामने? कारण अभी तक कोई सामने नहीं, क्योंकि हम तो अभी आग बुझाने का काम करेंगे, उसके बाद की बात है, जो अगर कारण वगैरह जो भी जाँच करनी होगी वो हम करेंगे। सूचना मिली थी फायर ऑफिस हमको 5:40 पे के दौरे रेलवे स्टेशन के पास में ऑयल डिपो पर आग लग गई है, तो अब वहाँ तुरंत पर वहाँ से पहुँचे, फिर हम फायर ऑफिस गए हैं, फायर की गाड़ी लेकर के हम 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। फिर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई है और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है, आग पर काबू पा लिया गया है। आए थे जब क्या स्थिति हुई है? आग बहुत ज़्यादा विकराल रुक था गाड़ी का, इसमें आग काफ़ी लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ? लगभग 15 गाड़ियाँ आई हैं। नुकसान वगैरह कितना? नुकसान में सुनाई में आ रहा है लगभग 1 करोड़ रुपये। कारण क्या चला? कारण क्या सर, हमें पता नहीं है, सुने में तो शॉर्ट सर्किट है, बाकी तो कुछ ध्यान नहीं है। कितने लोग आए थे आप टीम? 8 लोग आए हम सर। आपका नाम? कुलदीप कुमार, सिविल वॉलंटियर।